डॉक्टर साहब, वीर को खूब खो जाने से खेल कूद में कमजोर पड़ेगा। हस्त मैदान में या मैदान में ज्यादा वीर खो जाने से उसको फिर कैसे भर देंगे? वीर कितना भी खो जाओ, कितना लेकिन किसी प्रकार का नष्ट नहीं होता है। वीर कोई किसी प्रकार का बलवर्धक नहीं है, यह गलत धारणा है। जो पुरुष वीर खो जाता है, वीर खो जाने से वह कमजोर पड़ जाएगा, यह तो गलत धारणा है। इसलिए वे आपके वीर को किसी प्रकार नष्ट ना होने के जैसे देखना चाहते हैं। कितना भी जाने दो, कुछ नहीं होगा। शादी के बाद पुरुष दिन में 4 बार 5 बार, कुछ पुरुष तो 10 पार्टिसिपेट करते हैं संभोग में, वो मैथुन में भाग लेते हैं। क्या होता है, कोई कमजोर पड़ जाता है, उनको भी 4 बार 5 बार 10 बार वीर पे निगरता है ना, तब उस कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं देखता। तब क्यों हस्तमैदान से जाने वाले वीर के बारे में क्या चिंता करने की जरूरत है? कोई भी किसी प्रकार का किसी को भी नुकसान नहीं। इसे खेल कूद में भाग लेने वाले पुरुष हर रोज 2 बार 3 बार 4 बार चाहे 10 बार खेल को वे दर्शक से भाग लेते हैं, कितना भी वीर जाने दो, कुछ भी नहीं होगा। खेल कूद में भाग लेने वाले वीर को ऐसा रखने की जरूरत नहीं, वीर को रखने से किसी प्रकार का लाभ नहीं। उसको कुछ लोग सोचते हैं वीर खो लिया, कैसे उसको मैं फिर भर दूंगा, फिर भरने के लिए फिर फिलअप करने के लिए जरूरत नहीं है। कोई भी हो, कितना भी जाए खो लिया, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए खेल कूद में भाग लेने वाले पुरुष वीर नष्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। हस्तमैदान की वजह से वीर खो जाओ या और से मिलकर वीर खो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। खेल कूद का प्रैक्टिस करो, उसमें विजेत बन जाओ। इससे का हस्तमैदान से या सेक्स में भाग लेने से किसी प्रकार का नष्ट नहीं होगा। Multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।